हे गाइस, दिस इज आलोक कश्यप, वेलकम चैनल मुथुडन। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा लेके आया हूँ और सभी ड्रामा बहुत ही अच्छी है, तो जाके चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको इन ड्रामास को कहाँ देखना है। अगर आपको मेरी लिस्ट की किसी भी ड्रामा की डाउनलोडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर डाउनलोडिंग दे दूंगा। और प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखा करो, आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है सीक्रेट गार्डन। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.1 की। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा है जिसकी स्टोरी है एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन किम जियोन की, जो ऑलमोस्ट परफेक्ट है और वो अपने लिए अपनी ही जैसी वाइफ ढूंढ रहा है। और फिर उसकी मुलाकात एक स्टंट वुमन राइम से होती है, जिसे जियोन गलती से कोरिया की एक फेमस एक्ट्रेस पार्क चेरिम समझ लेता है। पर उसकी पहली मुलाकात में जियोन राइम की अदाओं और एटीट्यूड पर पूरी तरीके से फ्लैट हो जाता है, ये जानते हुए कि वो उसके टाइप की नहीं है और उससे बिल्कुल अपोजिट है। और फिर एक सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस के दौरान उनकी एक और मुलाकात में वो दोनों एक जंगल में खो जाते हैं और उसी जंगल में उन्हें एक मिस्टीरियस होटल सीक्रेट गार्डन मिलता है, जिसका ओनर इन दोनों को एक स्पेशल वाइन पिला देता है। और उस वाइन को पीने के बाद दूसरी सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो वो दोनों डिस्कवर करते हैं कि उनके सोल्स एक दूसरे के बॉडी में स्वैप हो चुके हैं। और अब इसके बाद क्या क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होता है इस ड्रामा में, जब ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी एक दूसरे की लाइफस्टाइल को जीते हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना होगा। ये कैसी ड्रामा है जिसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि के ड्रामा लवर की पसंद की हर एक चीज मौजूद है इस ड्रामा में। गेम, इंटेंस लव ट्रायंगल, मैजिक स्टेटस डिफरेंस और नोकझोंक वाली क्यूट केमिस्ट्री। तो फिर अगर आप इस लविंग रोमांटिक ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे प्लेफिक्स पे देख सकते हो। जो भी 5 मिनट में बिना पकड़े गए फिनिश लाइन को पार कर लेगा वो फर्स्ट राउंड जीत जाएगा। ये वही गेम है ना जो हम बचपन में खेलते थे। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है स्क्विड गेम। ये एक सस्पेंस थ्रिलर सर्वाइवल ड्रामा है जिसकी स्टोरी मेनली रिवॉल्व करती है किहून और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड सिंघू के अराउंड, जो अपने लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रहे हैं और इसलिए वो दोनों कुछ लोगों के साथ एक सर्वाइवल गेम स्क्विड गेम को ज्वाइन करते हैं, जिसकी विनिंग प्राइस $40 million है। पर गेम के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं। पहला रूल, आप गेम के किसी रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, और दूसरा, आप गेम को खत्म होने तक गेम को बीच में छोड़ नहीं सकते। पहले ये गेम नॉर्मल बच्चों का गेम लगता है, पर जैसे ये गेम धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो ये गेम बहुत ही डेडली और ब्रूटल सर्वाइवल गेम बन जाता है। वैसे ये ड्रामा अभी तक आई नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ इसके ट्रेलर के अकॉर्डिंग ही प्लॉट को बताया है, क्योंकि इस ड्रामा को मैंने अभी तक देखा नहीं है इसलिए मैं नहीं जानता कि ये ड्रामा कैसी है। पर हाँ, इस ड्रामा का ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फिर अगर आपको भी इस ड्रामा का प्लॉट और कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है तो आप इस ड्रामा को 17 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। डीपी सैनिक बनना है? तुम हो अंजुन, हो मेरे जूनियर। क्या होता है डीपी सैनिक? सुना है कि वो भगोड़े सैनिकों को पकड़ते हैं। तुम फौजी हो या एक सिविलियन? हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है डीपी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.1 की। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है 2 डीपी सोल्जर्स जुनहू और हानू के अराउंड, जो आर्मी से भागे हुए ऑफिसर्स को पकड़ने का काम करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, साउथ कोरिया में हर एक मेल सिटीजन के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने लाइफ का 3 साल आर्मी को सर्व करना पड़ता है। और ऐसे ही में जब सिटीजन आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो उनमें से कुछ अपनी मजबूरियां, पर्सनल रीजंस और सीनियर के द्वारा बुरी तरीके से बुली और टॉर्चर करने की वजह से कैंप से भाग जाते हैं, और इन्हीं डिजर्टर को पकड़ने का काम डीपी ऑफिसर करते हैं। और इन्हीं कुछ डिजर्टर्स के भागने के पीछे कुछ हार्ड वार्मिंग तो कुछ शॉकिंग बैक स्टोरीज इस ड्रामा में दिखाया गया है। ये ड्रामा प्रॉपर एग्जांपल सेट करती है कि मूवीज और ड्रामास एक बेस्ट रूट है लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि ये ड्रामा डील करती है बहुत ही डार्क हार्ड और सेंसिटिव टॉपिक से, जिससे आम जनता अनजान रहती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे डार्क सीक्रेट लोगों को पता रहे, और इसलिए ये ड्रामा एक वर्थ वॉचिंग ड्रामा है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। वो भगोड़ा नहीं बनता अगर वो आर्मी में ना होता तो। पर मैं तुम्हें हंसा जरूर सकता हूँ, देखना चाहोगी? तुम अभी हंसी? मैंने तुम्हें देख लिया था। देखो देखो, तुम हंस रही हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है ब्रेड लव एंड ड्रीम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 8.1 की। इस ड्रामा की स्टोरी दिखाई गई है किम तक की, इसे अपने लाइफ में कभी भी फैमिली का प्यार नहीं मिलता, ना तो ढंग की जिंदगी, यहाँ तक कि उसे अपने बचपन के प्यार से भी धोखा मिलता है, पर फिर भी वो अपने सपने को पाने के लिए पूरे जुनून से लगा रहता है। ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है कोरिया के नंबर 1 बेकिंग कंपनी के प्रेसिडेंट कोइजुंग से, जो अपनी शादी होने के बावजूद भी वो अपने लाइफ के सच्चे प्यार से अफेयर रखता है, जिसे उनसे एक बेटा किम तक मिलता है। पर क्योंकि कोइजुंग की खुद की वाइफ का कोई बेटा नहीं रहता, तो इसी वजह से उसके वाइफ को हमेशा यही डर रहता है कि कहीं कोइजुंग अपने
नाजायद बेटे को कंपनी का हायर न बना दे, और इसलिए वो हमेशा किमतक को मारने का प्लान बनाती है और उसकी लाइफ को पूरी तरीके से हेल बना देती है। और इसलिए किमतक सबसे अलग होकर कोरिया का नंबर वन बेकर बनने का फैसला करता है, जिससे उसकी लाइफ को कोई कंट्रोल ना कर सके। और अब किमतक अपने इस ड्रीम को कैसे अचीव करता है और उसके इस जर्नी में उसका कौन कौन साथ देता है, ये जानने के लिए आपको इस हार्ट वार्मिंग ग्रेट रोमांटिक ड्रामा को देखना होगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब है। और इसी ड्रामा में एक्साइटिंग इंटेंस लव स्टोरी दिखाई गई है जो आपके दिल में उतर जाएगी, और इसी ब्यूटीफुल लव स्टोरी की वजह से ये एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक ड्रामा बन जाती है, जिसे आप G5 पर देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है पार्टनर फॉर जस्टिस। ये एक बहुत ही लाजवाब कोरियन ड्रामा है, जिसकी वजह से इसे 8.3 की IMDb रेटिंग मिली है। ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक फोरेंसिक डॉक्टर और एक प्रोसिक्यूटर के अराउंड, जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहां डॉक्टर इंट्रोवर्ट है और वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, और वहीं प्रोसिक्यूटर एक वार्म हार्टेड चेयरफुल लड़की है, पर फिर भी ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक साथ आकर एक सीरियल किलर को पकड़ना होगा, जिसने बहुत सारे मर्डर किए हैं। तो क्या होगा जब ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज एक साथ आकर काम करते हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना होगा। एक ऐसा ड्रामा है जिसके हर एक केस का सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा हुआ है और बहुत टेरिफाइंग भी है। मैं इस ड्रामा के बारे में यही बोलूंगा कि ये एक ऐसा क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें जीरो वल्गैरिटी 100% एंटरटेनमेंट है। ये एक ग्रेट क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे G5 पर देख सकते हो। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है द वे लव बिगेंस। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 5.6 की। इस ड्रामा में हमें एक लड़की शीशाओ की हार्ट टचिंग स्टोरी दिखाई गई है, जो अपने प्यार के लिए अमेरिका चली जाती है, पर जिस इंसान से वो हद से ज्यादा प्यार करती थी वो उसे धोखा दे रहा था, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से टूट जाती है। और उसके इसी डिफिकल्ट टाइम में एक रेस्टोरेंट ओनर टीम एरामी था, जो उसकी केयर करता था और उसका ख्याल रखता था। इसके बाद शीशाओ अपने लाइफ में मूव ऑन करने का सोचती है, और इसलिए वो ब्लाइंड डेट के थ्रू बहुत लोगों से मिलती है, जिसके बाद उसे रियलाइज होने लगता है कि वो एक इकलौता इंसान है जो उसकी परवाह करता है, वो टीम एरामी है। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये ड्रामा टोटली टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि इस ड्रामा में वही रेगुलर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग और यूनिक नहीं है। पर फिर भी अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए एक लड़के का रूप धारा, और अब रानी बनने के लिए अपने प्यार को कुर्बान किया। देखिए मेरी सच्ची कहानी। हमारी 3 नंबर पे ड्रामा है एम्प्रेस की। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.6 की। ये वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल ड्रामा है, जिसने पूरे वर्ल्ड में बहुत धूम मचाई थी। ड्रामा में लाइव स्टोरी दिखाई गई है एक पुअर गर्ल की, जो आगे चल के कोरिया की सबसे बड़ी महारानी बन जाती है। और इस पूरे ड्रामा में उसके लाइफ के स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स और जर्नी को कवर किया गया है। ये एक मल्टी जेनर अमेजिंग ड्रामा है, जिसकी जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे प्लेफ्लिक्स पे देख सकते हो। प्यारे देशवासियों, हम इमरजेंसी की घोषणा करने वाले हैं। अपने घरों से बाहर मत निकलिए। हमारी 2 नंबर पे ड्रामा है स्वीट होम। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.4 की। इस ड्रामा की स्टोरी है चहिंसो की, जिसकी पूरी फैमिली एक रोड एक्सीडेंट में गुजर जाती है, और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, और इसलिए वो थोड़ा रिप्रेस फील करने के लिए एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। पर उसी समय शहर में एक ऐसा वायरस फैला होता है जिससे सभी लोग धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने लगते हैं, और अब उस अपार्टमेंट के बाकी रेसिडेंट के साथ उसी अपार्टमेंट में चहिंसो भी फंस जाता है। पर एक्चुअली प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब बिल्डिंग के कुछ रेसिडेंट वायरस से इफेक्ट होकर मॉन्स्टर बन जाते हैं। तो अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि ऐसे डू और डाई सिचुएशन में बचे हुए लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। इस ड्रामा की स्टोरी में हमें बचे हुए रेसिडेंट की पास्ट एंड प्रेजेंट की स्टोरी को बहुत ही इमोशनली वे में दिखाया गया है, जिससे हम खुद से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम सब भी कोरोना पेंडेमिक से सफर कर रहे थे। तो फिर अगर आपको एक भयानक थ्रिलर सुपरनैचुरल सर्वाइवल ड्रामा देखना है तो आप इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये कोई बीमारी नहीं, ये एक शराब है। हमारी 1 नंबर पे ड्रामा है टू बी अ बेटर मैन। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.5 की। ये एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक फैमिली ड्रामा है, जिसकी स्टोरी ल्यून की है, जो अमेरिका आता है अपने शेफ बनने के सपने को पूरा करने, पर वो गलत आदतों में पड़ने की वजह से बहुत ही रूड और अनोइंग बन जाता है। पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो ये इंसिडेंट ल्यून की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी और उसकी बेटी जीहू दोनों की जिम्मेदारी ल्यून के पास आ जाती है, जिसके बाद ल्यून जीहू को अपने बर्थ मदर के पास छोड़ने के लिए चाइना आता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी हार्ट ब्रोकन गर्लफ्रेंड से होती है, जिसे वो कभी देखना नहीं चाहता था। और अब क्या ल्यून अपने सभी जिम्मेदारियों को निभाकर इस ड्रामा के नाम की तरह अच्छा आदमी बन पाएगा या नहीं, और इसके साथ साथ ल्यून की लव लाइफ कौन सा नया टर्न लेगी, ये जानने के लिए आपको इस एडोरेबल रोमांटिक ड्रामा को देखना होगा, जिसे आप प्लेफ्लिक्स पे देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 कोरियन प्लस चाइनीज मूवी देखना है और टॉप 10 रोमांटिक एनिमे मूवी देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।